बेलगाम हुआ ऑटो डिवाइडर से टकराया, दो की मौत। लोनी दिल्ली खजूरी पुश्ता मार्ग पर मंगलवार शाम दिल्ली की ओर से आ रहा तेज रफ्तार ऑटो डिवाइडर से टकरा गया। इस ऑटो में बैठी छात्रा और चालक की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हैं। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लोनी कोतवाली क्षेत्र की अशोक विहार कॉलोनी में प्रिया परिवार समेत रहती थी। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। स्वजन ने बताया कि मंगलवार शाम को वह यूनिवर्सिटी गई हुई थी। वह खजूरी से ऑटो में बैठकर घर आ रही थी। लोगों ने बताया कि ऑटो अनियंत्रित होकर कासिम विहार कॉलोनी के पास डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसमें चालक समेत ऑटो में बैठी पांच सवारियां घायल हो गई। राहगीरों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद प्रिया और चालक प्रदीप निवासी सोनिया विहार को मृत घोषित कर दिया। वहीं चिकित्सकों ने हादसे में घायल अनिकेत निवासी पाबी सादकपुर मनीष निवासी सोनिया विहार को उपचार के लिए दिल्ली के अस्पताल में रेफर कर दिया, जबकि संतोष निवासी निशांत कॉलोनी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने मृतकों के स्वजन को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे मृतक के स्वजन का रो रो कर बुरा हाल हुआ था। मृतक के भाई दीपक ने बताया कि उनकी तबीयत खराब होने पर भाई प्रदीप ऑटो चलाने के लिए आया था। टोनिका सिटी थाना प्रभारी उमेश पवार ने बताया कि मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर मृतका प्रिया के स्वजन ने पुलिस से शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने की बात कही, लेकिन पुलिस ने स्वजन को समझा बुझाकर शवों के पोस्टमार्टम के लिए तैयार कर लिया है। देश दुनिया की तमाम खबरों के नतीजे देखने के लिए देखते रहिए द नेटिजन न्यूज चैनल को। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।